लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा प्रवास के दौरान अपने आवास पर जन समस्याएं सुनी और समस्याओं के जल्द निस्तारण का आश्वासन भी दिया। ओम बिरला ने ये बताया कि कोटा बूंदी उनका लोकसभा क्षेत्र और एक परिवार है। जब भी उनका कोटा आना होता है, लोग अपनी समस्याओं से उन्हें रूबरू करवाते हैं और वो जल्द समस्याओं का निराकरण करवाने का भी प्रयास करते हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने ये बताया कि कोटा की कोचिंग लाइफलाइन है और इससे कोटा जिले के छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े व्यापारियों तक सभी का आर्थिक पक्ष जुड़ा हुआ है और वो प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी गाइडलाइन के तहत जल्द से जल्द कोचिंग संस्थान शुरू हो ताकि शिक्षा नगरी के व्यापार को संबल मिल सके। और चीन को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर सक्षम है और भारत आत्मनिर्भर की ओर भी बढ़ रहा है। कोटा बूंदी मेरा संसदीय क्षेत्र परिवार है। जब भी मैं संसदीय कार्य से फ्री होता हूँ, मैं कोटा आता हूँ, कोटा की जनता से मिलता हूँ, उनकी समस्याएं भी सुनता हूँ और किस तरीके से कोटा में विकास का प्लान बन सके, उस कोटा बूंदी के विकास के प्लान बनाकर जनता से संवाद करकर उनकी राय से हम किस तरीके से मूल आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकें, किस तरीके विकास के नए रास्ते खोल सकें, इसके लिए बातचीत करते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शनों का दौर जारी है। इसी के तहत कोटा में हाड़ौती विकास मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र सांखला के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और ट्रेन रोकने के लिए स्टेशन की ओर कूच किया। वहीं स्टेशन के बाहर मौजूद भारी पुलिस के जाब्ते ने उन्हें रोक दिया। हाड़ौती विकास मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि जब तक पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं होंगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो वहीं पुलिस ने 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार यहां से किया। गरीब आदमी, किसान आदमी बुरी तरीके से मर गया है। पहले ही कोरोना ने लोगों की कमर तोड़ रखी है, लेकिन केंद्र सरकार अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, एसआर को फायदा पहुंचाने के लिए, अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार ये रेट बढ़ा रहे हैं। हम रेल रोकने आए थे लेकिन हमें नहीं जाने दिया। हम अड़ गए कि हम जाएंगे, पुलिस ने रोका तो हमने कहा गिरफ्तार कर लीजिए हमें। जब तक कीमत कम नहीं करेंगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पेट्रोल डीजल में मूल्य वृद्धि को लेकर हाड़ौती विकास मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र सांखला के नेतृत्व में एक उन्होंने प्रदर्शन किया था और उसमें जो लोग आए थे वो ट्रेन रोकने का उनका प्रोग्राम था, प्रस्तावित था। तो पुलिस की, जिला पुलिस की तरफ से भी 2 DYSP और 4 थानों के CI और 100 से अधिक का जाब्ता, कमांडो, वज्र, वरुण और सारे व्यवस्था की थी हमने। किसी भी तरह से जो है उनको पटरी पर नहीं जाने देना है और उसके लिए RPF ने भी उनका जाब्ता लगाया था हमने। इसके अलावा सोगरिया, डकनिया और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे भी अलग अलग जाब्ता लगा रखा है और यहाँ से हमने उनको अलग, हमने बसों की व्यवस्था भी की थी उनको डिटेन करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। तो हमने उनको डिटेन करके और 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को डिटेन करके हमने उनको भेज दिया है। 129 CRPC के तहत हमने उनको डिटेन किया और अब उनको बाद में उनको जो है शांति रही तो रिहा कर देंगे। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की हमने बसों में तो पूरी पालना कराई। यहाँ पे जब आए थे एक बार वहाँ जरूर भीड़ हो गई थी। जोधपुर के बिलाड़ा में 3 लोगों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जेतीवास गांव में बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी जबकि 2 घायल बच्चों को जोधपुर रेफर कर दिया। सूचना के बाद पुलिस यहां मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं लग पाया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि परिवार का मुखिया कोयले के कारोबार से जुड़ा हुआ है। इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या ये पूरा मामला रहा, पुरानी रंजिश रही, किस प्रकार से ये पूरा मामला रहा?
जी मनीषा, निश्चित तौर पर यह बिलड़ा जो है उसके जैतीवास गांव का पूरा मामला, एक जो निम्न वर्ग का परिवार होता है जो एक दूसरे गांव में जाकर जो बबूल के झाड़ियां काट उनको कोयले में तब्दील कर देता है, ऐसा ही ये परिवार था जो रोज किसी ना किसी नए गांव में पलायन करता था। लेकिन जो जैतीवास में जो बीती रात की ये घटना हुई है जिसमें एक ही परिवार के ये सारे सदस्य है, अज्ञात व्यक्ति द्वारा इन पर हथियारों से हमला किया गया, प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है। फिलहाल जो पुलिस के आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और जो FSL की टीम है वो वहां पर निश्चित तौर पर पूरा गहराई से आंकलन कर रही है कि आखिर ये पूरा क्या मामला है। मैं आपको जानकारी दे दूं, इसमें एक ही परिवार की पत्नी पत्नी और एक बच्चे की मौके पर ही रात को मौत हो गई थी और दो बच्चे थे वो गंभीर घायल थे, उनको जोधपुर इलाज के लिए रेफर किया गया है। जी बिल्कुल सत्येंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है, लेकिन हत्या से गांव में दहशत फैल चुकी है।